तो भोजपुरी में कुछ नज़्म है विवेक भाई कि एगो नरम पराठा एगो गरम पराठा, कि एगो नरम पराठा एगो गरम पराठा केहू और के खियान तो ना, कि एगो नरम पराठा एगो गरम पराठा केहू और के खियाम तो ना, और हमके लाल लिपस्टिक चाहिए आज के आज लियाम कि ना, कि हमके बहुत बहुत शुक्रिया, कि हमके लाल लिपस्टिक चाहिए आज के आज लियाम कि ना। और अब तो बस इतनी सी ख्वाहिश है भैया कि हम सोए रहे और कोई आके कहे ए रिंकिया के पापा और अब तो बस इतनी सी ख्वाहिश है भैया कि हम सोए रहे और कोई आके कहे ए रिंकिया के पापा आज ऑफिस जाएं कि ना। कि हई सौतन मोबाइल के एक दिन कूच देम, कि हई सौतन मोबाइल के एक दिन कूच देम कभी हमरो से नजर मिलाएं कि ना, कि हई सौतन मोबाइल के एक दिन कूच देम कभी हमरो से नजर मिलाएं कि ना। हमरा सेवा केहू और भी का, हमरा सिवा केहू और भी बा का, बात सोच सच बताएं कि ना। और अब तो बस इतनी सी ख्वाहिश है भैया, और अब बस इतनी सी ख्वाहिश है भैया कि सुबह में लड़ाई हो जाए और शाम में कोई कहे ए रिंकिया के पापा और शाम में कोई कहे ए रिंकिया के पापा ही हाँ सेम कि ना। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। कि घर के शरीफ लड़का अब पूरा एरिया के रंगबाज हैं, एटीट्यूड पे है थोड़ा, हम लोग ना बिहारी ना थोड़ा अगर गुस्से में किसी को गाली भी देना तो उसको लगता है आहा रामचरितमानस, तो उसी पे है कि अपना घर के शरीफ लड़का और एरिया के रंगबाज हैं और हैं बहुत सीधा साधा, पर अपना मोहल्ला में कितना लड़की के जान है, कि हैं बहुत सीधा साधा पर अपना एरिया में कितना लड़की के जान है। और एक करे जहन सुना, एक करे जा सुना अपना भाई के कह दो कि पैजामा में रहल करे, एक करे जा सुना अपना भाई के कह दो कि पैजामा में रहल करे, ओकरा माई के हम दमाद है। दूसरा है कि क्या है ना कि लड़कियां ना लड़कों को फ्रेंड जोन में रख, ठीक है, लड़का लड़का बेचारा कटता रहता है, कटता रहता है, वो इसी आस में रहता है कि कब वो रकीब छोड़ के जाएगा, कब मेरा नंबर आएगा। तो उसी पे मैंने लिखा है कि सादगी को छोड़ उसने जिस्म को अपनाया है, कि सादगी को छोड़ उसने जिस्म को अपनाया है, लगता है मैडम ने धतूरा खाया है, कि सादगी को छोड़ उसने बहुत बहुत शुक्रिया, कि सादगी को छोड़ उसने जिस्म को अपनाया है, लगता है मैडम ने धतूरा खाया है, और रकीब से जलील होके हमसे खफा हो जाती हो, रकीब से जलील होके हमसे खबा हो जाती हो, अरे मोहतरमा तुमने कैसा तोता पाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि वर्षों बाद मेरे दिल पे इश्क का दस्तक आया है, कि वर्षों बाद मेरे दिल पे इश्क का दस्तक आया है, अबे ओ दफा हो जा मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, कि वर्षों बाद दिल पे इश्क का दस्तक आया है, अबे वो दफा हो जा मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। और पहले वाली तो बिहार की थी भैया, तो संभाल भी लिए, पहले वाली तो बिहार की थी इसलिए थोड़ा संभाल भी लिए, इस बार कम बखत दिल्ली वाली पे दिलाया है। कि वर्षों बाद दिल पे इश्क का दस्तक आया है, कि वर्षों बाद दिल पे इश्क का दस्तक आया है, कि वर्षों बाद दिल पे इश्क का दस्तक आया है, अबे ओ दफा हो जा मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, ओ दफा हो जा मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। और पहले वाली बिहार की थी तो थोड़ा संभाल भी लिए भैया, कि पहले वाली बिहार की थी तो थोड़ा संभाल भी लिए भैया, इस बार कमबख्त दिल्ली वाली पे दिलाया है। कि दूसरी लाइन है कि
उसने अपने तोते की दास्ता गिनाया है, उसने अपने तोते की दास्ता गिनाया है। बड़ी ढीठ लड़की है यार, पूरी रात पकाया है कि उसने अपनी तोते की दास्ता गिनाया है। बड़ी ढीठ लड़की है यार, बड़ी ढीठ लड़की है यार, पूरी रात पकाया है। और तेरे नखरे भी हम सहे और तेरे एटीट्यूड भी, कि तेरे नखरे भी हम सहे और तेरे एटीट्यूड भी। अबे मैंने क्या तेरा ठेका लिया है। कि लास्ट वाला लाइन है कि मेरे कांधे पे रख के बंदूक चलाया गया है, कि मेरे कांधे पे रख के बंदूक चलाया गया है, और थी अपने तोते के साथ घर पे मेरा नाम बताया गया है। कि मेरे कांधे पे रख के बंदूक चलाया गया है, थी अपने तोते के साथ घर पे मेरा नाम बताया गया है, और दो दिन से सर पे कफन बांध के उसका भाई मुझे ढूंढ रहा भैया। कि दो दिन से सर पे कफन बांध उसका भाई मेरा पता ढूंढ रहा भैया। ओ लड़की इधर आ, सच सच बता क्या तूने मेरे नाम का सुपारी ले रखा है। बहुत थैंक यू।